छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। अरे भाई अजमल की तो निकल पड़ी, उसकी तो लॉटरी निकल आई है। क्यों भाई, ऐसे क्या हो गया? अरे भाई यूरोप में उसकी जॉब लगी है, तुझे पता है, खाना पीना रहना और ट्रैवलिंग सब फ्री है उसकी, और काम भी ऐसा नहीं है कि उसपे कुछ मेहनत करनी पड़े उसको। अबे क्या कह रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? अबे हाँ यार, आजकल इतनी बड़ी बड़ी जॉब्स की ऑफर आती है, तुझे क्या पता, बस खर्चा करना पड़ता है। कितना? यही कोई 10-15 लाख रुपए। अबे यार हमारे लड्डू के लिए भी कुछ करना है यार। यार कोई मसला नहीं है, बस लड्डू का रजामंद होना जरूरी है। अबे यहाँ जेब में 10 रुपए की कुल्फी खाने के लिए पैसे नहीं है, तू लाखों में बात कर रहा है, और वैसे भी मैं मजाक ही करूंगा क्या? ओ भाई ऐसी जेल से तो यूरोप की जिंदगी बेहतर नहीं है? और लड्डू तुझे तो पता है यूरोप का माहौल, ना कोई पाबंदी, ना कोई बेगम, ना कोई रोक टोक। फिर वही बात। अबे पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ ये तो एक मसला है, और वो भी जल्द अज जल्द। क्यों ना अगवा कर ले किसी को। अगवा? ये हुई ना बात। नहीं भाई नहीं, हमें इस चीजों से दूर रखो, दो नंबर काम में हम नहीं पड़ते। अबे तो समझ नहीं रहा, अगर मैं खुद को ही अगवा करवा के अपने घर वालों से पैसे मांगू तो? यार लड्डू तेरा दिमाग चलता है, क्या आइडिया पेश किया तूने यार। बस तो फिर प्लान तैयार। तो बताओ ना फिर जल्दी। कैसा? और जब तू वापस नहीं जाएगा तो? अबे नहीं नहीं अभी नहीं, पहले मैं घर जाऊंगा, अपना कुछ सामान लेकर आऊंगा, तब तक तुम लोग जगह का बंदोबस्त करो, उसके बाद खेलेंगे अगवा अगवा। जबरदस्त। इसका दिमाग है सारे का, क्या चीता चलता है यार। लड्डू, लड्डू, अरे इसे, अबे बताती हूँ मैं इसे। अबे ऐसा करते हैं 20 लाख रुपए मांग लेते हैं। वो क्यों? अबे क्या हमारा अपना हिस्सा नहीं होगा? क्यों लड्डू? अबे मांगो, कौन सा मेरी जेब से जा रहा है, मांगो जितना दिल चाहता है मांगो। तो बैंक में मंगवा लेता हूँ। अबे दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? क्यों, क्या हो गया? अबे बैंक से सारी तफसील सीधी पुलिस स्टेशन जाएगी। कैश मांग कैश। अच्छा अब इतना कैश होगा घर पे तुम्हारे? अबे बड़ा मालदार ससुराल है मेरा, बहुत पैसा दबा के रखा हुआ है, और आजकल तो मेरी खाला भी इस्लामाबाद से, उनके पास भी बहुत पैसा है। कॉल किसके नंबर से करेंगे? मेरे नंबर से। अबे तुम फंस नहीं जाओगे? अब्बा के नाम पे है ना सिम। तो अब्बा को फंसा दे तू है? अबे अब्बा तो रहे नहीं, कब्र में जाके कौन पूछेगा। अरे वाह मेरे चीते, तू तो बहुत दूर की लाया। चलो फिर शुरू करते हैं। कॉल मैं करूंगा। अबे इसको करने दे कॉल, इसके वजन की तरह इसकी बात में भी वजन होगा। हेलो हेलो। अबे काट दिया यार। अबे हनी को मिलाना। ये जब गेम खेलती हूँ ना तभी कोई ना कोई कॉल करता है, मैं उठाऊंगी जा। अबे तेरे घर में इतने मसरूफ कौन है जो फोन काट रहे हैं? अरे ससुर जी को मिला। हेलो कौन? मैं किडनैपर बोल रहा हूँ। कौन सा पर? ओ भाई मैं किडनैपर बात कर रहा हूँ। भाई अच्छा अच्छा अच्छा, मैं गुलाम हूँ भाई। मैंने तुम्हारे दामाद लड्डू को अगवा किया हुआ है। अच्छा वेरी गुड है। तो फिर अगर उसको जिंदा देखना चाहते हो तो 20 लाख रुपए का फौरन बंदोबस्त करो। 20 लाख? अच्छा अगर जिंदा ना देखना चाहते हो तो कितने का बंदोबस्त करना पड़ेगा? ससुर जी, ससुर जी, बहुत बहुत आपके लड्डू को बहुत। चलो ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी। हेलो हेलो हेलो
हेलो यार बंद कर दिए यार। अरे बर्फी खाला, बर्फी खाला, वो लड्डू को किसी ने अगवा कर लिया है। वो कह रहे 20 लाख रुपए दो तो छोड़ेंगे। क्या 20 लाख रुपए? अरे छोड़े उसको, जाके कल से उसका भी काम कर लेना आप। अरे बर्फी खाला, हनी का तो सोचें आप। अरे सोच लेंगे, इतनी भी क्या जल्दी है, जाके अपना काम करें। हनी देखो ना, बर्फी खाला मुझे नहीं पता, मुझे ना मेरा लड्डू सही सलामत चाहिए, प्लीज कुछ करें प्लीज। हाँ बर्फी खाला। अरे भाई क्या मुसीबत है, जाके पूछो उससे कब देना है पैसे और कितने देना है। वो फोन करके बताएगा ना। अरे तो ठीक है, जब बता देना तो मुझे बता देना, अभी जाए यहाँ से। खाला कुछ कीजिए ना, एक ये तानी है पता नहीं कहाँ चली गई मुझे फंसा कर। आपका मतलब नंबर इस वक्त बंद है। क्या हुआ, मम्मा से बात हो रही है? अरे नंबर बंद जा रहा है और क्या हुआ। छोड़े आप, मैं करती हूँ, वैसे भी ना मम्मा इतनी जल्दी फोन नहीं उठाती है। आपका मतलब नंबर इस वक्त बंद है। मम्मा का फोन क्यों बंद है? हाँ भैया, कौन? फोन है यार, फोन। हेलो कौन? मैं किडनैपर बोल रहा हूँ। जी 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 जी, क्या क्या, क्या बात है? पैसों का क्या बना? पैसे तो तैयार है आपके, बस आप बैंक की तफसील भेज दे अपनी, हम पैसे भेज देते हैं आपको। क्या बात कर रहे हो यार, मुझे कैश चाहिए, कैश। क्या कैश? हाँ और वो भी एक साथ। अच्छा एक काम करें, आप दोबारा फोन कर रहे हैं थोड़ी देर में। बार बार मैं फोन करूं हैं? 100 रुपए का बैलेंस डलवाओ उसमें। बैलेंस? अच्छा चल ठीक है। क्या करे यार ये, अजीब इसने कैश का चक्कर चलाया यार। वो तारी बेगम तो पाकिस्तान में ही नहीं है, अब क्या करे यार। और वो बर्फी खाला, उन्होंने अलग तमाशा बनाया हुआ यार, क्या करूँ यार मैं, क्या देखता हूँ। हाँ ना देखो जरा, मेरे लड्डू को ही अगवा कर लिया इन लोगों ने। बड़े अफसोस की बात है, कम से कम तुम्हारा तो ख्याल करना चाहिए था। हाँ। अरे बहनी क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? पापा वो ये लोग ना मुझसे मिलने के लिए आए हुए, वो लड्डू अगवा हो गया ना इसलिए। यानी ये लड्डू के लिए पार्टी करने आए? क्या पापा, आप भी ना आप जब भी आते ना बस यही सोचते हैं पार्टी के लिए। जी अंकल, बीवी मैं के जाए या शोहर कहीं और, पार्टी तो सभी करते हैं। वाह भाई वाह, क्या ख्यालात है भाई आपके। ओहो अंकल चाय लीजिए ना आप भी। नहीं बेटा नहीं, जब तक मेरा लड्डू नहीं मिल जाएगा मैं कुछ खाऊंगा नहीं, कुछ पीऊंगा भी नहीं। हनी जल्दी आ जाओ, तुम भी जल्दी आ जाओ बस। ठीक है, अब जाना। हाँ अच्छा सुनो, अगर तुम्हारा लड्डू मिल जाए ना तो हमें जरूर बताना। मगर क्यों यार, मिलने की खुशी में दोबारा पार्टी करेंगे ना। अरे हाँ ये तो अच्छा कहा, चलो ना चाय तो पियो। हाँ खाला मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है लड्डू की, आप प्लीज कुछ करें ना। हाँ गुलाम, बात हुई आपके किडनैपर से? हाँ बात हुई, वो कह रहे हैं कि पैसे कैश चाहिए और वो भी नकद। नकद तो वो ऐसे मांग रहे हैं जैसे हमारे पास रखवा कर गए थे। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, देखे ना जो आपने कहा मैंने उनसे कह दिया, जो उन्होंने कहा वो मैंने आपसे कह दिया। अब भाई मुझे नहीं पता, बस मैंने कह दिया बर्फी खाला आप बस लड्डू को बचाइए, मुझे नहीं पता आप कुछ करें बस। अब मैं क्या करूं, एक तो ये तानी है ना वो भी फोन नहीं उठा रही, और घर में तो मुश्किल से 50,000 रुपए पड़े हुए हैं, बाकी तो बैंक में है। और आज है फ्राइडे, 2 दिन तक बैंक बंद रहेंगे, अब तो मंडे को ही कुछ हो सकता है भाई। तो आप अपना ATM कार्ड दे देना मुझे, मैं उसमें से निकाल के ले आऊंगा। अरे भाई तानी ने इतने जल्दी में तो मुझे बुलाया, मैं तो सब कुछ भूल गई, ATM कार्ड भी भूल गई, अब कहां से दूं ATM कार्ड। तो अब मैं उनसे क्या कहूं? उनसे कह दें 2 दिन रुक जाएं, वरना जो करना है वो करें। क्या कह रही हैं बर्फी खाला? जो कह रही हूँ ना वो ही करें। क्या कह रही हैं आप बर्फी खाला, मैं क्या करूंगी 2 दिन घर पे बैठ के? अरे तुम पार्टी करो,
एंजॉय करो, आ जाएगा ना लड्डू दो दिन बाद। हाँ वैसे ये आइडिया ना बहुत अच्छा है, मैं काम करती हूँ, सारे दोस्तों को फोन करके बुला लेती हूँ और आज रात हम पार्टी करते हैं। अरे 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 हनी हनी मेरी बात, अरे हटी पापा, अरे हनी मेरी बात, अरे पार्टी के तुम्हारा, अरे तुम्हारा मुआवजा हुआ है भाई पार्टी की यार। भाई उठा भी लो तानी फोन, ये तानी और इसके घर के मसले भाई खत्म ही नहीं हो रहे। क्या है यार? हेलो, मैं कहाँ आऊँ पैसे लेने? भाई बात सुनो भाई, हमारे पास कैश तो है नहीं, तो मैं काम करूँ यार, पीर तक रुक जाओ। अबे मैं क्या करूँगा दो दिन से डूगा? यार से काम करवाओ, और वो इतना अच्छा और इतना तेज काम करता है वो। तुमको ये सब मजाक लग रहा है? देखे मैं कुछ नहीं कर सकता, वो जिसने पैसे देने इस वक्त बर्फी खाला, उन्होंने ही कहा ये सब कुछ कहने के लिए भाई। अच्छा ठीक है, फिर मैं बाद में फोन करता हूँ कुछ सोच कर। हाँ हाँ आराम से कर लेना यार, अभी दो दिन बाकी हैं बैंक खुलने में यार। अच्छा भाई मुझे जरा बहुत काम है। आपको तो पता ही है ना, एक लड्डू था मेरा हाथ बटाने वाला, वो भी आपने किडनैप कर लिया। ठीक है, अबे बंद कर फोन। रख रहा हूँ यार, रख दिया भाई, रख दिया। बताओ दामाद की भी फिक्र नहीं है? अबे भाई मुझे तो इस बात की फिक्र है यार कि अगर यार ये लड्डू नहीं आया तो सारा काम तो मुझे करना पड़ेगा, एक ही था हाथ बटाने वाला, वो भी नहीं है, और ये क्या करूं यार। गुलाम आ रहा हूँ बर्फी खाला। ये तो तानी बेगम से भी ज्यादा जालिम है यार, और यार अगर इससे शादी हो जाती मैं तो मर जाता यार अब तक। आ रहा हूँ आ रहा हूँ। कहाँ चला गया मोटा यार, मुझे तो उलझन हो रही है यहाँ पे। तानी यार आ गया आ गया आ गया। हाँ भाई क्या बना? अब क्या बनेगा यार है? अब पीर तक इंतजार कर वरना घर जा। अभी क्या बात कर रहा है भाई, हमने सारा मंसूबा बनाया था, क्या हो गया तुझे? हाँ भाई प्लान हमारा ही था, लेकिन हम क्या करें, हम भूल गए थे कि आज जुम्मा है और जुम्मे को बैंक हो गया था जल्दी बंद, समझ में आ गई ना। अब आप दो दिन इंतजार करें क्योंकि पीर को बैंक खुलेंगे। तो आप क्या करें, दो दिन क्या होगा? मैं तो कहता हूँ वापस चला जा भाई। मैं नहीं जा रहा वापस। तो फिर बैठ यहीं पर ही, मुझे भूख लग रही है। लो भैया अब ये खर्चा भी हमारे सर। यार कैसी बातें कर रहा है, पैसे मिल जाएंगे ना। यार जा यार, इसके लिए चाय और बिस्किट लेकर आ। चाय बिस्किट नहीं खाऊंगा मैं, टिक्का मंगाओ मेरे लिए। अब तू पागल वागल हो गया, यहाँ वैसे ही कम पैसों में तेरे लिए मैं किस तरह मैनेज कर रहा हूँ, तुझे पता है चाय पानी, तू बात कर रहा है मुझसे? अच्छा चलो जा, जल्दी से ले आओ चाय, ले आओ यार बिस्किट भी। यार इस मुसीबत को दो दिन तक कैसे पालेंगे? यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अच्छा बात सुनो, तुम दोनों ना मेरे घर जाओ, वहाँ देखो वहाँ क्या माहौल है, कुछ तो पता चल जाएगा क्या हो रहा है वहाँ पे। ठीक कह रहा है, चल के देख लेते हैं हम लोग। चलो ठीक है, जाके चेक करते हैं तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, ठीक है, और वापसी में चाय लेते आएंगे। अब चाय नहीं बिस्कुट भी लेकर आना ना। अबे हाँ ना, मुझे चल भाई यार, ले आएंगे हम लोग। अब क्या है बबलू, क्या काम है? अंकल वो लड्डू है? आया लेकिन कहीं गया हुआ है। अच्छा उसका नंबर भी बन जा रहा है, वैसे उसे जाना तो हमारे साथ था। खैर तो है ना, कहीं अगवा तो नहीं हो गया वो? हाँ ऐसी ही बात है यार, कुछ लोग उसे अगवा करके ले गए। अच्छा फिर आपने क्या सोचा? यार अंकल हम दोस्त हैं, अब कुछ ना कुछ तो उसके लिए करना है। आप ऐसा करें 5 लाख रुपए का इंतजाम करें, फिर हम देखते हैं उसके लिए क्या कर सकते हैं। 5 लाख? अच्छा 5 लाख वो कैसे? हमने पहले भी एक अपने दोस्त को ऐसे ही बाजियाब करवाया था। क्या वाकई? वो नहीं तो क्या अंकल, पहले बताना था ना आपने। एक मिनट मैं जरा अंदर से पूछ के आता हूँ, ठहर जाओ। ये क्या कर दिया तुमने? अब यार और क्या करता मैं है? उस मुसीबत को कब तक अपने गहने में बांध के रखेंगे है? 5 लाख रुपए आ रहे हैं, अपना काम निकलना चाहिए भाई। यार 2 दिन की बात थी, 20 लाख रुपए मिलते। ठीक है बस जो आ रहा है ना अपना गुजारा होना चाहिए, बस सबर कर आ रहे पैसे। चलो सही है सही है। क्या बना अंकल?
इतने पैसे नहीं है यार। कितने हैं फिर? 2 लाख रुपए हैं आपके पास? इससे भी कम है। 1 लाख? नहीं भाई, 50,000 हैं। इसमें काम हो सकता है तो बताओ। अच्छा चले 50,000 ही दीजिए, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। पक्का? हाँ गल, कोशिश करेंगे। कोशिश तो तुम करोगे, मैं तो कैश दे रहा हूँ ना यार, तो पूछूंगा तो सही ना। भाई देखो ये कैश है यार, देखो भाई कर लेना काम, मैं अकेला हूँ यार, सारे काम मुझे करने पड़ते हैं घर के यार। आप फिक्र ही नहीं करें, बस हम लोग कर लेंगे, कर लेंगे। देखो भाई, अच्छा ससुर जी, हानी बर्फी खाला, देखो 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 मैं आ गया। अबे आ गया भाई, आ गया। अबे यार तुमने तो क्या काम दिखाया यार है। पर वो माने कैसे? वो ना इन लोगों ने उन लोगों का कि फिलहाल इतने ही है, अच्छे लोग थे, मान गए, छोड़ दिया। अच्छा, बड़े ही शरीफ किडनैपर्स थे वो? हाँ जी, कुछ लोग हैं अभी शरीफ, यू नो। चलो अच्छा है तुम आ गए, मुझे काम की बहुत फिक्र हो रही थी। यार एक बात सुनो, मुझे अगवाकारों को फोन करके शुक्रिया अदा करना चाहिए, हैं? उसकी क्या जरूरत है ससुर जी? हाँ समझा करो यार, क्या पता वो आगे भी किसी के साथ अच्छा सलूक करें भाई। हाँ पापा, आप ना बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सही बता रही हूँ मैं, करें आप। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। कहाँ गया उसका नंबर? अरे ससुर जी रहने भी नहीं था भाई, समझा करो भाई, समझा करो। हाँ देखो ना, कहने में शुक्रिया करने में। अरे यार तुम तो अपना फोन उठाओ यार, बजे जा रहा है, बजे जा रहा है। अरे यार ये दोबारा देखिए कितनी अच्छी वीडियो आई हुई है, देखिए ये। अरे यार जब नंबर मिलाने दो मुझे, बात कर। अबे ये क्या बात है भाई, नंबर मैं किडनैपर को मिला रहा हूँ, फोन आपका बज रहा है, जरा फोन तो दिखाना, जरा फोन तो दिखाओ, फोन तो। अभी देखता हूँ। अच्छा ओहो, तो ये साजिश सारी की सारी तुम लोगों की है, अभी बताता हूँ अंदर जाके। नहीं नहीं हमारी सारी नीति है, ये सब लड्डू 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 की है। नहीं पकड़ा, मजाक करे, मजाक करे, मजाक कर लो। हम आज घर से बाहर ही नहीं जाएंगे, बुराई की वजह से ना, अब पता चला कितनी बड़ी बुराई आने वाली थी। ए भाई, हमने जब घर खरीद लिया है अभी चेक तो करना पड़ेगा ना, कलर बलर करवाना है, टक टुक करवानी है, क्या है क्या नहीं है। ये बताओ कि ये घर मेरा है कि नहीं? जी जी, आप ही इस घर के मालिक हैं। ये लो 20 लाख रुपए, केस है पूरे, और मैं तो कहता हूँ गिन लो। पैसे तो आदमी उसके गिनता है जिसमें भरोसा नहीं होता, और तुम तो भरोसे के काबिल हो। घर इसने खरीद लिया है, निकलो बाहर। ए मैं नहीं निकलूंगा यहाँ से, घर मैंने लिया हुआ है, पैसे दिए मैंने। पैसे कैसे खरीद लिया? हेलो, आपने कैश में पैसे दे दिए? 2 करोड़ है इसके अंदर। मेरे को नहीं पता था कि आप लोग डाकू हो। मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशार, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। घर दामाद के घर दामाद, घर दामाद के घर दामाद।